हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल सीए फाइनल इंटर क्लासेस। हम ईआईएस की क्लास कर रहे थे एंड अभी तक हम ईआईएस के चैप्टर नंबर 3 में दो क्लासेस कर चुके हैं। सर, अभी इन दो क्लासेस में भी हमने जहां टॉपिक्स यहां तक ख़त्म, डीबीएमएस मॉडल और बेनिफिट ऑफ डाटा वेयरहाउस तक हम क्लियर अपना कर चुके हैं, हम रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स को अब पढ़ते हैं। आइए सर, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाटा माइनिंग, और ये यू कांट बिलीव बहुत इजी टॉपिक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 के साथ ना बहुत से स्टूडेंट ने बोला कि सर चैप्टर 3 बहुत टफ है, बट एक्चुअल में ये टफ नहीं है, ये ना आपका सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक है, मोस्ट इजी। सबसे ऊपर ना जाओ, अभी जाओ और यहाँ पे आओ और लिखो इजी, वेरी 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 इजी टॉपिक्स, कलेक्शन ऑफ वेरी इजी टॉपिक्स आपका है चैप्टर नंबर 3। क्यों? चलो सर, डाटा माइनिंग ये हम आपको बताते हैं। चलो देखो कैसे इतना इजी चीज़ें हैं, ये बहुत आसान लिखा है आईसीआई ने। चलो, माइनिंग का मतलब क्या होता है सर? माइनिंग क्या, कोल माइन आप सुनते हो, डायमंड माइन, गोल्ड माइन, जो भी आप माइन सुने हो आज तक। सर माइंस में क्या होता है, माइंस में क्या होता है सर, कि कोल माइन है, यहाँ पे कुछ खोद कर माइनिंग करके खोद करके निकाला जाता है, कुछ खोद कर निकाला जाता है। हाँ सर, ये बात तो सही है, माइंस में तो कुछ खोद कर निकाला जाता है। तो बच्चा, जब ये कोल माइनिंग में कोयला खोद के निकाला जाता है, तो डाटा माइनिंग में क्या होगा सर? यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाटा का ढेर होता है और इन डाटा में से ही खोज खोज कर ढूंढ कर काम का डाटा, जो काम की चीज़ है हमारी, काम की चीज़, काम का डाटा निकाला जाता है, वही होता है डाटा माइनिंग। ओके सर, इतनी सिंपल सी बात थी, बताओ। माइनिंग एंड डाटा माइनिंग, कोल माइनिंग से मुझे शहर का नाम याद आता है, धनबाद। कमेंट करके बताना भाई धनबाद कौन है यहाँ पे। डाटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डाटा टू फाइंड प्रीवियसली नोन ट्रेंड पैटर्न एसोसिएशन टू मेक डिसीजंस। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में फ्लिपकार्ट का एक एग्जाम्पल लेके बताया था कि फ्लिपकार्ट अपनी, मान लीजिए 2020 की बिग बिलियन डे सेल का पैटर्न डिसाइड करना चाहती है कि वो इस बिग बिलियन डे सेल पे क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल हाई उसको हो गई है। तो वो देखेगी 2019 में जब उसने बिग बिलियन डे सेल्स निकाली थी, तो कौन से गैजेट सबसे ज़्यादा बिके थे, किस बैंक का कार्ड सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ था एंड ऑल डैट, याद है मैंने बताया, प्लस कस्टमर्स की डिटेल। तो उसने क्या किया, पिछले साल के 1 बिलियन लोगों के, 1 बिलियन लोगों का जो बाइंग था ना, उस बाइंग के डेटा पे काम करके प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन निकाला इस बार के लिए, दैट्स कॉल्ड डेटा माइनिंग। डेटा के ऊपर उसने पूरी माइनिंग का काम किया, उससे खोज के निकाला कि भाई बाइंग ट्रेंड क्या है, पैटर्न क्या है, वो पसंद क्या करते हैं, इस डाटा पे उसने एनालिसिस किया और इस बार की बिग बिलियन डे को प्लान किया, इस बार की बिग बिलियन डे को सेल प्लान किया। बताओ क्यों 15 अगस्त, 26 जनवरी को ही ये सेल्स लाते हैं? क्यों दिवाली पे इलेक्ट्रॉनिक्स पे ह्यूज डिस्काउंट लाते हैं? बिकॉज दिवाली पे इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ज्यादा बिक रहे होते हैं। या दिवाली पे ही देखो ऑटोमोबाइल्स, क्यों ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में कोई भी गाड़ी क्यों होली पे ऑफ नहीं देती भाई, क्यों होली पे ऑफ नहीं देती, क्यों सब दिवाली पे ही ऑफ देते हैं? बिकॉज सर ये ट्रेंड है अपने इंडियंस का, कल्चर का, कि हम दिवाली पे न्यू व्हीकल खरीद रहे होते हैं। तो ये कहाँ से आया, ये सब डाटा माइनिंग से पता चला होगा ना, पहली बार किसी ने तो ये ट्रेंड देखा होगा कि हाँ भाई लोग होली की जगह दिवाली खरीद रहे हैं। तो यही सब चीज़ें हैं डाटा माइनिंग की। ये जो बिग बिलियन सेल वाला फ्लिपकार्ट वाला एग्जाम्पल मैंने बताया, आप लोग कृपया करके ये सब चीज़ें लिख लिया करिए। आइए, जनरली डेटा माइनिंग इज अकम्प्लिश्ड थ्रू ऑटोमेटेड मीन्स अगेंस्ट एक्सट्रीमली लार्ज सेट, इतना 1 बिलियन लोगों का लार्ज सेट ऑफ डाटा था, सच एज डेटा वेयरहाउस, जो पूरा खुद में डेटा वेयरहाउस है,
An example of data mining include an analysis of sales from a large grocery chain from might determine that milk is purchased more frequently the day after it rains in cities with a population of less than 50,000. इसने कुछ नहीं, हमने आपको डेटा वेयरहाउस में फ्लिपकार्ट की एग्जांपल से समझाया, इसने बोला किसी ग्रोसरी शॉप के मिल्क के ऑप्शन से इसने समझाया कि बारिशों के बाद सिटीज में मिल्क की सेल्स में क्या इफेक्ट पड़ता है. ओके यस सर. या फिर बैंक के हिसाब से बता रहे हैं, अ बैंक में फाइंड दैट लोन एप्लीकेंट्स जो लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं हुज बैंक अकाउंट शो पर्टिकुलर डिपॉजिट एंड विदड्रॉ पैटर्न आर नॉट गुड क्रेडिट रिस्क, कि जिसका बहुत क्रेडिट रिस्क नहीं है. छोड़ दो ये सब बातें, आप ना फ्लिपकार्ट की एग्जांपल से बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली हैं, आप इसको समझिए. मतलब डेटा माइनिंग क्या भाई, खोज के निकाले काम का डाटा, बस इतनी सी बात है. अब आते हैं सर ये कैसे करेंगे हम माइनिंग में, तो कुदाल फावड़ा और पता नहीं क्या क्या लेके चल पड़ते हैं, बट डेटा माइनिंग सर कैसे करें, क्या हम अपने लैपटॉप को सिस्टम को कंप्यूटर पे वो हथौड़ियाँ और कुदाल फावड़े वगैरह चलाएं? बिल्कुल भी नहीं. The steps involved in data mining process are as follows. किस तरीके से steps involved होते हैं data mining में, ये इसके बारे में बात करते हैं. सर थोड़ा सा साफ भी कर लो आप, क्योंकि हमें पता है फिर से आप कुछ ना कुछ लिखोगे साइड में. चलो करते हैं सफाई अभियान स्टार्ट. देखिए डेटा माइनिंग में जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे एक कंप्यूटर के बारे में तो सब कुछ लिखा होगा, जितने भी कॉलम साइड में चल रहे होंगे सब में कंप्यूटर्स के बारे में बातें लिखी होंगी, बट हम आपको कंप्यूटर से कुछ अलग करके बातें बताने की कोशिश करेंगे रियल लाइफ में आपकी जो चीज़ें पसंद है उससे. ठीक ठीक है सर जी. तो इसने बोला स्टेप्स, कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं डेटा माइनिंग के अंदर. अब आप सोचो, चलो यहाँ से एक लाइन खींचते हैं. आप सोचो कि जो इंडियन क्रिकेट क्लब है ICC है, इंडियन स्पोर्ट एसोसिएशन समझो या इंडियन क्रिकेट क्लब जो भी है, ये क्रिकेटर्स को कैसे चूज कर रही है, एक बार जरा सोचते हैं. देखो डाटा इंटीग्रेशन, फर्स्टली द डाटा आर कलेक्टेड एंड इंटीग्रेटेड फ्रॉम ऑल द डिफरेंट रिसोर्सेज. तो पहले इंडियन क्रिकेट क्लब ने क्या किया होगा कि इंडिया के जितने भी राज्य हैं सारे के सारे स्टेट से जितने भी क्रिकेटर आ रहे हैं सबका भाई डाटा बुलाओ, सारे क्रिकेटर्स का डाटा बुलाओ. ओके चलिए सर ये हो गया. मतलब पहला स्टेप क्या था, आपको स्टेप्स याद करवाने हैं मुझे. मतलब हम बच्चा जो पहली बार ये क्लास कर रहा है, प्लीज़ वन सेकेंड, हमारा कंसेप्ट कहीं पे भी हमने निमोनिक्स वगैरह आपको नहीं दिए हैं और ना हमें देना है, क्योंकि निमोनिक्स भी वहाँ 25% वर्क करता है, क्योंकि निमोनिक्स को भी याद करना पड़ता है. हमने जितने एग्जांपल्स दिए उस एग्जांपल्स के बेसिस पे आपको लिखना होता है. तो यहाँ पे एक ऐसा एग्जांपल दे रहे हैं जो आपको याद रहे. देखिए एज लाइक पहला एग्जांपल क्या था मैंने, डेटा द स्टेप इन्वॉल्व क्या है, डाटा इंटीग्रेशन. जिन भारत में जितने भी लोग क्रिकेट खेलते हैं हर स्टेट से सारे क्रिकेटर्स का डाटा हमने यहाँ बुला लिया है. ओके हाँ सर ये बात तो समझ में आई है. नेक्स्ट बात क्या कहती है, डाटा सिलेक्शन. अब क्या किए सर, इट मे बी पॉसिबल दैट, ऐसा हो सकता है कि ऑल द डाटा कलेक्टेड मे नॉट बी रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट स्टेप, सो इन दिस स्टेप वी सेलेक्ट ओनली दोज डाटा विच वी थिंक यूजफुल फॉर डाटा माइनिंग. भाई साहब यहाँ पे ना आपने ICC ने जब सारे स्पोर्ट्स को बुलवाया, चाहे या फिर आप कहो स्पोर्ट एसोसिएशन ने सारे खिलाड़ियों का डाटा मंगवाया, ठीक है, तो सर यहाँ पे ना क्रिकेटर्स का तो आ ही रहा था, कुछ कुछ डाटा आ गया हॉकी प्लेयर्स का भी, कुछ कुछ डाटा फुटबॉल प्लेयर्स का भी आ गया. अब भाई इन हॉकी प्लेयर्स के डाटा को फुटबॉल प्लेयर्स के डाटा, ये जो डाटा ने इररेलेवेंट आ गए, तो इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको भी यहाँ पे फिल्टर कर दे रहे हैं. जो फर्स्ट स्टेप में जो अनरिक्वायर्ड डाटा आ गए जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है उसको यहाँ पे हटा देंगे, क्या करेंगे एलिमिनेट कर देंगे. ओके सर तो यहाँ पे हमने क्या लिया, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटर्स का डाटा लिया. क्या लिया, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटर्स का डाटा लिया. ओके सर ये भी बात समझ में आ गई. नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, डाटा क्लीनिंग. डाटा क्लीनिंग मतलब सर सफाई चलेगी. अब सर सफाई चलेगी मतलब मान लो यहाँ पे भाई मेरी पेन कृपया करके आप भी चल जाया करें, कभी कभी आप इतना हैंग हो जाते हैं कि कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्लासेस आपकी लैपटॉप के थ्रू रिकॉर्ड हो ताकि इतनी हैंगिंग प्रॉब्लम ना आए. ओके ओके सर और इस चैनल को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा आप अपने दोस्तों के साथ भी. देखो डाटा क्लीनिंग में क्या हुआ सर, मान लो ना यहाँ पे 15 क्यों सर
यहाँ पे मान लीजिए सर दो एक 120 क्रिकेटर्स की लिस्ट आ गई, 120 खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, बट आपको वो खिलाड़ी चाहिए जिनको आप खिला सकें। अब 120 खिलाड़ियों में आप चेक करते हैं कि क्या पता कोई ऐसा क्रिकेटर हो जो सिर्फ और सिर्फ आईपीएल के लिए कंपेटेबल है और हमारे वर्ल्ड कप के लिए कंपेटेबल नहीं है। मतलब वो 20 ओवर्स के मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, बट वर्ल्ड कप या 50 ओवर्स के किसी भी मैच के लिए उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है, या फिर वो खुद को संभाल नहीं पाता है, वो बस एक चार ओवर खेल के आउट होने वाला प्लेयर है। अब हम यहाँ पे फिल्टर करेंगे, इसको कहेंगे डाटा क्लीनिंग। द डाटा डेट इज कलेक्टेड आर नॉट क्लीन एंड मे कंटेन एरर्स, उसमें कुछ गलतियां हो सकती है, मिसिंग वैल्यूज हो सकती है, नॉइसी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट डाटा हो सकता है। भाई साहब मैं क्या बोला, वर्ल्ड कप के लायक नहीं था, इनकंसिस्टेंट डाटा हो सकता है। दस वी नीड टू अप्लाई डिफरेंट टेक्निक्स टू गेट रिड ऑफ सच एनोमलीज, इस विसंगतियों को दूर करने के लिए, जो मेरा कंपेटेबल डाटा नहीं था उसको दूर करने के लिए, विसंगतियों को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, डाटा क्लीनिंग। चलो सर यहाँ से हमने डाटा क्लीनिंग करके फिर कुछ क्रिकेटर निकाले जो कि 50 ओवर के मैच के लिए वर्ल्ड कप के लायक है। अब बात आएगी सर डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, चलो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन को अभी थोड़ा सा हम समझाते हैं। जैसे मान लो अब हमने यहाँ पे निकाले जो क्रिकेटर्स थे ना, ये थे आपके 62 क्रिकेटर्स आए जो इस लायक है जिनको भेजा जा सकता है वहाँ पे, ठीक है। अब सर 62 में भी तो हम कुछ, अब एज लाइक हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इनका रन रेट क्या है, रन रेट क्या चल रहा है। सर जी हम इसको ये भी चेक करेंगे कि इनका रन रेट क्या चल रहा है। रन रेट के लिए हम डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स लगा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कौन किसको हम रैंक वन पे भेजें, मतलब धोनी को पहले भेजने लायक है या कोहली को पहले भेजने लायक है, ये सब चीज़ें भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमने फिल्टर कर लिया हमारे लायक डेटा क्या है, अब उसमें हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। देखिए द डेटा इवन आफ्टर क्लीनिंग आर नॉट रेडी फॉर माइनिंग एज इट नीड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एप्रोप्रिएट फॉर्म फॉर माइनिंग यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स लाइक स्मूथिंग, एग्रीगेटिंग, नॉर्मलाइजेशन एक्सेट्रा। एग्रीगेटिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे, मतलब मान लो डाटा में जो मिला उसमें भी कुछ एरर थी, तो उसके बाद उसमें एरर तो नहीं थी, सॉरी क्लीनिंग के बाद भी जो डाटा मिला वो हम तुरंत यूज नहीं कर सकते, इसलिए उसको एग्रीगेटिंग करना, नॉर्मलाइजेशन करना, स्मूथिंग करना, ये सब काम कर रहे हैं। जब हमने ये सब कुछ कर लिया ना, तो अब हम बात कर रहे हैं भाई साहब डाटा माइनिंग की। डाटा माइनिंग, डेटा माइनिंग भी आप कहिए, डाटा माइनिंग की जो मन में है वो कहिए। In this various data mining technique are applied on the data on discover that interesting patterns को भी हम समझते हैं। Techniques like clustering and association analysis are among our many different techniques used for data mining। अब ये मेरी डी टेक्निक करने तक, जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन तक की टेक्निक कर दी, इसके बाद हम डेटा माइनिंग कर रहे हैं। तो डेटा माइनिंग जब हम कर रहे हैं तो सर कुछ टेक्निक्स लगाएंगे। सर आप इतना शॉर्ट मत लिखा करो, इसलिए शॉर्ट लिखते हैं बिकॉज हम बोल जल्दी जाते हैं। देखो डेटा माइनिंग हम क्या करेंगे सर, हम उसने बोला क्लस्टरिंग करेंगे, चलो रन रेट निकाल लें सर, 10 से 15 तक का जिसका रन रेट है उन लोगों को, 15 से 18 तक का रन रेट है उन लोगों को, 18 से 20 तक का रन रेट है, इस तरह की क्लस्टरिंग लगा के ये जो 62 क्रिकेटर्स आए थे इनको फिल्टर कर रहे हैं। उसके बाद इवन हम देख भी रहे हैं कि यार जो प्लेयर वन आ रहा है मेरा और दो नंबर का प्लेयर आए, इन दोनों में इतनी कंपेटिबिलिटी हो कि ये दोनों टीम वर्क अच्छे से कर पाएं, जिसको हम कहते हैं ना कि लंबी जोड़ी चला के खेलें, मतलब लंबी पारी खेल पाएं। इसके साथ कोई ऐसा कंपेटेबल बंदा ना आ जाए जो इसके साथ मैच ही ना कर पाए और ये दोनों में से कोई एक आउट हो जाए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम डिफरेंट टाइप के टूल्स लगाए ना, देखो क्लस्टरिंग की, एसोसिएशन वगैरह किया, एनालाइज किया, ये सब क्या किया, इसको कहेंगे डेटा माइनिंग। डिफरेंट टेक्निक्स लगाई फॉर डेटा माइनिंग। तो यहाँ पे क्रिकेट में टीम को अरेंज करने के लिए जो डिफरेंट टेक्निक्स लगाई ना इन्होंने, वो हो गया क्या डेटा माइनिंग। देखो क्रिकेट के बेसिस पे हम समझा रहे हैं, इवन हम खुद कभी भी क्रिकेट देखते ही नहीं हैं, बट आप लोग देखते हैं, इसलिए इस तरीके से हम समझा रहे हैं आपको। कैसा लगा एग्जांपल बताइएगा। पैटर्न इवैल्यूएशन एंड नॉलेज प्रेजेंटेशन। अब हमें पैटर्न पता चल चुका है, हमें पता चल चुका है कि रैंक नंबर वन खिलाड़ी कौन है, टू खिलाड़ी कौन है, तीन कौन है, चार कौन है, पाँच कौन है, छः कौन है, ठीक है, पैटर्न इवैल्यूएशन कर दिया। और अब जो हमको नॉलेज है प्रेजेंट भी कर देंगे, हाँ भाई हमको ये नॉलेज हो गई, अब हमें कुछ पता चला तो हम उसको शांति से बैठ थोड़ी जाएंगे, वो सबको बताएंगे। हाँ सर, दिस स्टेप्स इन्वॉल्व विजुलाइजेशन,
ट्रांसफॉर्मेशन रिमूविंग रिड्यूडेंट पैटर्न फ्रॉम द पैटर्न वी जनरेटेड। ओके सर, अब हमको सब कुछ हो गया, नॉलेज हो गई, तो हम डिसीजन लेंगे यूज ऑफ डिस्कवर्ड नॉलेज। ये जो हमें नॉलेज हुई ना, इस नॉलेज का यूज करके अब हम डिसीजन लेंगे। दिस स्टेप्स हेल्प यूजर टू मेक यूज ऑफ द नॉलेज एक्वायर्ड टू टेक बेटर डिसीजंस। यस सर, इन सम केसेस अ डेटा माइनिंग प्रोजेक्ट इज बिगिन विद अ हाइपोथेटिकल रिजल्ट इन माइंड। ये आपका एकदम अलग लाइन है, इसका इस ऊपर वाले स्टेप से कोई मतलब नहीं है, ऊपर के स्टेप से कोई मतलब नहीं, ये लाइन आपकी अलग है, ये नेक्स्ट पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में ऐसा कह रहा है कि कई बार डेटा माइनिंग करने के पहले ही, जब हम शुरू कर रहे हो डेटा माइनिंग, उसी समय हाइपोथेटिकल रिजल्ट अपने माइंड में लगा के बैठे होते हैं। मतलब मान लो डेटा माइनिंग में हम कोई टीम बनाने जा रहे हैं, क्रिकेट की टीम जो हम बना रहे हैं, जब हम लोग अपने गली मोहल्ले में क्रिकेट की टीम बनाते थे ना, तो पहले सोचा होता था यार मिस्टर क्यों, कि हमारा जो फ्रेंड राजू है वो तो पक्का सिक्स मारेगा ही मारेगा इस बार। तो वही बोल रहा है कि डेटा माइनिंग करने के पहले ही, जब शुरू अभी डेटा माइनिंग, बट हम एक हाइपोथेटिकल रिजल्ट अपने माइंड में लेके बैठे होते हैं। ओके ओके सर, आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। अब जरा चलिए इस अलग स्लाइड पे आते हैं। आप लोग जो लेक्चर्स देख रहे हैं, वो लेक्चर्स कैसे देख रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये YouTube है, YouTube के थ्रू आप लेक्चर्स देख रहे हैं। हाँ सर, YouTube के थ्रू देख रहे हैं। यहाँ पे हम बैठे हैं, हमने क्या किया सर, हम अपना लेक्चर रिकॉर्ड किए पहले, और उसके बाद इसको YouTube पे मैंने डाला। लेकिन मैंने कैसे डाला, मतलब मैंने अपना वीडियो लेक्चर, जो एक डेटा कह सकते हैं, इस डेटा को YouTube पे ट्रांसफ़र किया, जिससे आप दे पाए। इसके लिए मुझे क्या लगा, मुझे इंटरनेट की यूज़ पड़ी, मतलब क्या कम्युनिकेशन नेटवर्क या टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क भी इसको कह सकते हैं। हाँ सर, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क आप कह लीजिए। इसके बाद फिर आपने क्या किया, YouTube पे वीडियो था, ये वीडियो तो यहाँ पर आ गया। अब आपने क्या किया, आपने अपना इंटरनेट लिया, अपना हार्डवेयर बोले तो अपना लैपटॉप या अपना मोबाइल या अपना डेस्कटॉप लिया, और उस पर जियो नेट का कनेक्शन लगा के अब आपने मेरा वीडियो देखा। अब आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे है आप अच्छे प्यारे, अरे गुस्से वाले कैसे बन गए, अच्छे प्यारे स्माइलिंग से लोग, ये आप हैं, ठीक है, इसको आप वीडियो देख रहे हैं। तो अब ये वीडियो आप कैसे देख रहे हैं यार, अब जल्दी फिजिकल क्लास में आना है, बिकॉज माइक ऑन करना छूट गया था। मे बी अब आपको मेरी वॉइस थोड़ी क्लियर आने लगी होगी। ओके, अब आप मेरा वीडियो, मेरा ये जो पढ़ाया हुआ क्लास है, ये देख रहे हैं, ठीक है। हाँ सर, कैसे देख रहे हैं सर, इंटरनेट के थ्रू आप देख रहे हैं। इसका मतलब मैंने यहाँ से अपना डेटा आपको ट्रांसफ़र किया, यू कैन सी माई डेटा थ्रू नेटवर्क भी नहीं सर, कम्युनिकेशन नेटवर्क। आपने, आपको कम्युनिकेशन नेटवर्क मिला है तभी आप देख पा रहे हो। वो कम्युनिकेशन नेटवर्क का नाम यहाँ पे क्या है, क्या है, कम्युनिकेशन नेटवर्क बोल लो या कम्युनिकेशन सिस्टम बोल लो, क्या यहाँ पे, इंटरनेट। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो सर, एक और छोटी सी बात समझते हैं। अगर हम बात करें डेटा ट्रांसमिशन की, तो डेटा ट्रांसमिशन के लिए सर, या तो आप इसको टेलीकम्युनिकेशन बोलो, कम्युनिकेशन बोलो, या टेलीकम्युनिकेशन बोलो, कम्युनिकेशन नेटवर्क बोलो, या ओनली नेटवर्क बोलो, बात एक ही चल रही है अभी। बट अब जब हमें बिग इंटरप्राइज के रिस्पेक्ट में इसको बात करनी होती है, तो हम इसका यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग सिनेरियो लेने जा रहे हैं हम। चलो, आप आज की डेट में बात करेंगे पतंजलि की, ठीक है, बाबा रामदेव की पतंजलि। देखिए सर, पतंजलि ने क्या किया, अब पतंजलि क्या कर रही है, पतंजलि का अपना एक डाटाबेस है सर, डाटाबेस की बात भी छोड़ो सर, डाटा कम्युनिकेशन का तरीका देखो। यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, ये डेटा कम्युनिकेशन, ये जो पतंजलि एक ऑर्गेनाइजेशन है, पहली बात तो, हाँ सर ये ऑर्गेनाइजेशन है। डेटा कम्युनिकेशन किससे किससे शेयर हो रहा है सर, कस्टमर से भी इसका डेटा शेयर होता है सर, इसका डेटा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को भी जाता है सर, ये जो डेटा रिसोर्सेज हैं, ये डेटा कहाँ कहाँ शेयर करना होता है सर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिसको कह लो, या मैन्युफैक्चरिंग कह लो सर, इसको आप कहते हो, एम्प्लॉयज़ भी इस डेटा का यूज़ करते हैं सर, बाबा जी खुद भी, ये मतलब डायरेक्टर्स भी इस डेटा का यूज़ करते हैं, और सप्लायर्स भी इस डेटा का यूज़ करते हैं। चूँकि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो साइंटिस्ट जो मेरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले हैं, वो भी इस डेटा का यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब एक ही डेटा है जो सबसे शेयर करना होता है, ये बात आपको समझ में, ऑर्गेनाइजेशंस अपना डेटा हर किसी से शेयर कर रही होती हैं।
तो ये कैसे शेयर कर पाएंगे सर? जब तक कोई कम्युनिकेशन का नेटवर्क इनको नहीं मिलेगा, अगर इनको कोई कम्युनिकेशन का नेटवर्क नहीं मिलेगा तो ये कैसे शेयर कर पाएंगी? इसका मतलब सर कोई ना कोई कम्युनिकेशन का नेटवर्क तो होता है जिससे ये शेयर कर पा रहे होते हैं। हाँ सर। और सर अगर डेटा ट्रांसफ़र हो गया ना, मतलब अगर इन्होंने डेटा को ट्रांसफ़र किया है, हाँ सर, अगर इन्होंने डेटा को ट्रांसफ़र किया, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क का यूज़ किया और डेटा ट्रांसफ़र किया, तो इससे इसको फ़ायदा क्या है? हम कह रहे हैं कि अपने खुशी के लिए डेटा ट्रांसफ़र करना चाहता है या अपने किसी फ़ायदे के लिए पतंजलि इन सभी के साथ अपना डेटा ट्रांसफ़र करना चाहती होगी। सर अपने फ़ायदे के लिए, कैसा फ़ायदा? देखो ये मैन्युफैक्चरिंग लिखे हैं, इसको आप समझो मार्केटिंग हम लिखे हैं। यहाँ पे एक और ले लो, मार्केटिंग, मार्केटिंग है, ठीक है। अभी जस्ट आई है बाबा जी की कोरोनिल, कोरोनिल के बारे में आप लोगों को पता है, ठीक है सर। अब इसके लिए उन्होंने क्या, यहाँ मार्केटिंग में इनको पता है डिमांड कितनी जा रही है। सर डिमांड वाला आदमी तुरंत देख रहा है, हाँ भाई इतनी इसकी डिमांड है, बट प्रोडक्शन वाला बता रहा है कि भाई प्रोड्यूस हम इतना ही कर पा रहे हैं, उसने ऑर्गेनाइजेशन पे डाटा डाल दिया, इतना ही प्रोड्यूस हो रहा है, मार्केटिंग वाला यहीं से देख रहा है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑर्डर ले रहा होगा। एंड प्रोडक्शन वाला भी तो बता रहा है हमको इतना ज़्यादा और प्रोड्यूस करना है, तो वही डेटा तो सप्लायर के साथ शेयर हो रहा है, जिससे सप्लायर को पता चला है कि कौन सा रॉ मटेरियल कितना डालना है, कौन सा रॉ मटेरियल कितना पहुंचाना है यहाँ पे, डायरेक्टर को पता चल रहा है कौन सा प्रोडक्ट इनका पीक पे जा रहा है, किस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये कोरोनिल के अलावा अदर भी तो बनाते हैं, पूरा FMCG ग्रुप भी ये इनका है। तो कहीं ना कहीं एक जो डायरेक्टर है इसको डिसीजन मेकिंग में भी तो बेनिफिट मिल रहा है कि भाई साहब अभी FMCG के प्रोडक्शन की कैपेसिटी को हम डाइवर्ट कर दें कोरोनिल की कैपेसिटी पे, इस टाइप के डिसीजन भी ले पा रहे हैं। तो सर डाटा ट्रांसफ़र करने का ये जो कम्युनिकेशन मीडिया है, इससे फ़ायदा क्या हो गया सर? इससे फ़ायदा देखो कुछ तो कुछ हुआ कि हमने इफ़ मेरे जो ऑपरेशंस थे वो ऑपरेशंस, मतलब ये काम करने का जो पतंजलि का जो ऑपरेशंस है पूरा, ये इफ़िशियंट हो गया थोड़ा सा। यार ये क्यों इतना ब्लर करता है? इफ़िशियंट हो गया ये इफ़िशियंट ऑपरेशंस, ओके इफ़िशियंट ऑपरेशंस हो गए। दूसरी बात क्या सर, ये जो बाबा जी की मैंने बात की ना मैनेजमेंट की, कि इनको दिख रहा है भाई कोरोनिल की सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है, तो मेरे जो FMCG में जो हम घी बना रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, ये शुगर क्या हनी बना रहे हैं, इन सबों की प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक बार यहाँ शिफ्ट करो, क्योंकि ये कैपेसिटी हम शिफ्ट कर सकते हैं, तो जिस प्रोडक्ट की शिफ्ट हो सकती है उसको शिफ्ट कर जाएंगे। इसका मतलब इनका जो मैनेजमेंट है वो भी, इनका मैनेजमेंट काफ़ी इफेक्टिव मैनेजमेंट बन गया। हाँ सर बन गया। और तीसरी बात भाई साहब, जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला देख रहा है कि यहाँ पे कोरोना की प्रॉब्लम है, तो इसने रिसर्च की, सप्लायर से पूछा क्या क्या मुझे ये चार चीज़ें बनानी है, क्या ये चार चीज़ें मिल सकती हैं, सप्लायर बोला हाँ मिल सकती है, फिर ये प्रोडक्शन वाले से पूछता है कि क्या प्रोडक्शन इस टाइप से कुछ हो सकता है, बताता है हाँ हो सकता है, एम्प्लॉयज़ बोलते हैं हाँ हाँ हम इस टाइप की चीज़ें अरेंज कर सकते हैं, डायरेक्टर बोलता है मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ ऐसा करने की, तो ये सब कुछ इतना अच्छे से अगर होता है भी शायद यहाँ पे इनोवेशन भी हो पाया था, तभी शायद यहाँ पे इनोवेशन इन मार्केट प्लेस, जो किसी और ने मार्केट प्लेस में इम्यूनिटी बूस्टर का अपना प्लेस बनाते रह गए और इन्होंने पूरा पूरा मार्केट ले लिया कोरोनिल दवाई के नाम से, क्या इनोवेशन इन मार्केट प्लेस भी इसी कम्युनिकेशन के कारण ही हो पाया है? हाँ सर, इसी कम्युनिकेशन के कारण हो पाया। तो ये होता है पूरा का पूरा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम नहीं, मैं इसको बस सीधे सीधे आपकी बुक में जो नाम है मैं वही नाम लूँगा, कम्युनिकेशन सिस्टम, और नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम की हेडिंग है सर। लेकिन अब नेटवर्क के बारे में, हम नेटवर्क के बारे में भी आपको एक अलग से बात बताते हैं, बिकॉज हम लोग जब ये पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, किस तरीके से पढ़ रहे होंगे, कंप्यूटर बेस पे हमारा जो सब्जेक्ट है, अभी कंप्यूटर के सिनेरियो पे हम आपको लेके आते हैं। अभी हम पढ़ें नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। देखो इन हाई स्पीड वर्ल्ड वी कैन नॉट इमेजिन एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम विदाउट एन इफेक्टिव एंड इफिशियंट कम्युनिकेशन सिस्टम। भाई साहब हम आज के वर्ड में ना इफेक्टिव और इफिशियंट कम्युनिकेशन सिस्टम के बिना कुछ समझ ही नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, विच इज़ अ वैल्यूबल रिसोर्स विच हेल्प्स, जो मदद करता है गुड मैनेजमेंट में, अच्छे मैनेजमेंट के लिए। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क गिव्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू कैपेबिलिटी टू मूव इन्फॉर्मेशन रैपिडली बिटवीन डिस्टिंक्ट लोकेशन एंड प्रोवाइड द एबिलिटी टू एम्प्लॉयज। देखो रैपिडली दो लोकेशन के बीच में भेजता है ना। हाँ सर कैसे? अभी आपको इतना अच्छे से एग्जांपल समझाया कि यूट्यूब पे हम कहीं लेक्चर अपलोड कर रहे हैं और आपको कहीं और मिल रहा है, आपको वो बात समझ में आई होगी। जैसे मान लो ये झुंझुनू है, झुंझुनू में कोई पर्सन बैठा है और वो चुरू वाले को अगर
कोई चुरू के फिजिकल लोकेशन पर कोई इंसान बैठा है तो उसको थ्रू द इंटरनेट इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। यस सर। कस्टमर एंड सप्लायर एबिलिटी फॉर एम्प्लॉयर को कहाँ गया टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइजेशन टू द कैपेबिलिटी टू मूव इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का मूव तुरंत पहुंचाता है कहाँ, बिटवीन डिस्टिंक्ट लोकेशन टू प्रोवाइड द एबिलिटी टू एम्प्लॉय को, कस्टमर को, सप्लायर को, जो अलग अलग लोकेशन में बैठे उनको इन्फॉर्मेशन रैपिडली देता है थ्रू टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है सर। फ्रॉम एनी वेयर कंबाइंड विद कैपेबिलिटी ऑफ ब्रिंग प्रोसेसिंग पावर टू द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन। प्रोसेसिंग पावर के अकॉर्डिंग, मतलब आप मेरा लेक्चर यूट्यूब ऐप के अकॉर्डिंग ही तो देख पाते हो, तो वही आपकी प्रोसेसिंग पावर हो गई कि उस वीडियो को देख पाने की प्रोसेसिंग पावर। उसी तरीके से यहाँ पे बात कर रहा है कि जो आप इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो उस इन्फॉर्मेशन को देखने वाली प्रोसेसिंग पावर वाली एप्लीकेशन के थ्रू आप देख लेते हो। ऑल द ऑफर्स फर्म इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटीज टू रिस्ट्रक्चर इट्स बिजनेस प्रोसेस एंड टू कैप्चर हाई कम्पिटेटिव ग्राउंड इन द मार्केट प्लेस। भाई कम्पिटेटिव ग्राउंड तभी बनेगा, एज लाइक आपको क्या सोचना था यहाँ पे बिजनेस ग्राउंड से, जो पतंजलि का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। थ्रू टेलीकम्युनिकेशन दीज वैल्यू मे बी एंड इंक्रीज इन इफिशियंसी ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन में ऑपरेशन की इफिशियंसी इंक्रीज होती है, इंप्रूवमेंट होता है इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट में, एंड इनोवेशन ऑफ मार्केट प्लेस भी आप बना लेते हैं। यहाँ तक की बात तो देखो मैंने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत अच्छे से बताई है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? बहुत साधारण सीधी बात, अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर हार्डवेयर इंटरकनेक्टेड बाई कम्युनिकेशन चैनल दैट अलाउड शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर नेटवर्क भाई साहब, आप अपने जिस सीए फर्म में आपने काम किया उस सीए फर्म में देखिए ना, कंप्यूटर नेटवर्क भी होता है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं एंड अदर हार्डवेयर भी होते हैं भाई, अदर हार्डवेयर भी वहाँ लगे ही होते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं फॉर कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, लैंड वायर से जुड़े होते हैं फॉर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है सर। सर अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, चलो हम आपको फिर से समझाएं एक बार। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 जो हम पढ़ चुके हैं, स्लाइड चेंज हो गए हैं। नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, देखो अभी आपको एग्जांपल लिया था ना, उसी एग्जांपल को फिर से कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सर कौन सा एग्जांपल? ये एक बच्चा बैठा है झुंझुनू में, ठीक है, और एक हैं भाई साहब चुरू में। चलो ये दो लोग हैं। अब झुंझुनू में कोई ब्रांच है किसी भी बैंक की बोलें या किस चीज़ की बोलें आप बताओ, चलो कोई भी ब्रांच है, बाटा का शोरूम है, बाटा शोरूम भी यार गड़बड़ हो जाएगा, ऑफिस ही है, कोई ऑफिस वर्क है, चलो कोई पीडीएफ देखना है और यहाँ पे भी एक ऑफिस है, दोनों फिजिकल लोकेशन पे लोग बैठे हुए हैं अच्छे से खुशी से रहने वाले लोग। तो सर ये वाला इंसान, झुंझुनू वाला इंसान कुछ काम करता होगा किसी लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, जैसे हम मान लिए टैबलेट पे काम कर रहे हैं, एंड इसमें इसको कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू, एज लाइक मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सॉफ्टवेयर, ये पीडीएफ राइटिंग के सॉफ्टवेयर प्लस अदर सॉफ्टवेयर का यूज़ किया है, और इन सभी सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके हमने क्या बनाया, एक वीडियो, और इस वीडियो को मतलब हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके जो ये डेटा बना, इस डेटा को इंटरनेट के थ्रू हम ट्रांसमिट करते हैं दूसरे पर्सन को जहाँ पे आप बैठे हो। ठीक है, ठीक है सर, यही बात हुई। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या हुआ, नेटवर्क लगा, और नेटवर्क, ये जो नेटवर्क हुआ ना, इस नेटवर्क को बोलता है कि ये नेटवर्क जो है ये कंप्यूटर तो लगता ही लगता है प्लस अदर हार्डवेयर्स भी तो लगते हैं। सर अदर हार्डवेयर्स में क्या आया, अदर हार्डवेयर्स में आ गया, देखे माइक मेरा लग रहा है, कैमरा लग रहा है, अगर कैमरे वाले हैं तो ये अदर हार्डवेयर्स लग तो रहे क्लास को रिकॉर्ड करने के लिए। हाँ सर जी, अदर हार्डवेयर्स भी आते हैं, तो कंप्यूटर नेटवर्क में उस टाइम अदर हार्डवेयर्स भी जुड़ जाते हैं। अब आप कहोगे सर माइक और कैमरा तो सर कंप्यूटर में मत जोड़ो, तो क्या जोड़ें बताओ, यूपीएस जोड़ दें, सर्वर जोड़ दें, प्रोसेसिंग यूनिट जोड़ दें, क्या जोड़ दें? आप इस तरीके से चीज़ों को बस समझने की कोशिश करिए अभी। ठीक है सर, अब क्या बात करते हैं सर आपसे, चलो यहाँ से हम इतना तो समझ लिए, अब हम डायरेक्ट आते हैं अपने नेटवर्क के पार्ट पे, पेज पे लिखा हुआ है। चलो ये रहा सर नेटवर्क का पार्ट। नेटवर्क एंड कनेक्शन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम दीज कंसिस्ट ऑफ बोथ फिजिकल डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर, मतलब लैपटॉप प्लस आपका जो सॉफ्टवेयर, लिंक द वेरियस पीसेज ऑफ हार्डवेयर एंड ट्रांसफर द डाटा फ्रॉम वन फिजिकल लोकेशन टू अनदर, और एक फिजिकल लोकेशन से दूसरे फिजिकल लोकेशन तक गई, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर सारी की सारी डिवाइसेज का जुड़ा हुआ रूप हो गया नाम नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम।
ठीक है, कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट कैन बी कनेक्टेड इन नेटवर्क फॉर शेयरिंग वॉइस डाटा इमेज साउंड एंड वीडियोस। तो ये सब क्या क्या भाई, हर एक मोड जो डेटा का होता है वो सब शेयर करने के लिए जुड़ जाते हैं। ईच कंपोनेंट नेमली द कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर नेटवर्क कॉल्ड नोड। मतलब सर ये एक कंप्यूटर है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये सारे के सारे अगर जुड़े हैं ना, ये चार कंप्यूटर नेटवर्क अगर जुड़ गए, नेटवर्क बोले तो कंप्यूटर ही समझो एक बार, तो ये सारे के सारे कंप्यूटर जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं उस नेटवर्क में, उस नेटवर्क में कंप्यूटर के, उस कंप्यूटर नेटवर्क में जो सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, ईच कंपोनेंट नेमली कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर जो कंपोनेंट है, अदर कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे कंप्यूटर जो कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े होते हैं उसको नोड कहा जाता है। अगेन समझिएगा, कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़ा हुआ कंप्यूटर नोड कहलाता है। ओके ओके सर। कंप्यूटर नेटवर्क आर यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ डाटा एमंग डिफरेंट कंप्यूटर एंड टू शेयर द रिसोर्सेज लाइक सीपीयू या स्टोरेज डिवाइसेस को भी हम शेयर करते हैं। स्टोरेज को ही सबसे ज़्यादा आपको समझ में आएगा, इसलिए स्टोरेज बता रहे हैं। स्टोरेज को शेयर कर रहे होते हैं, हाँ भाई स्टोरेज शेयर कर रहे होते हैं डाटा इन्फॉर्मेशन, ठीक है सर। अब नेटवर्क कुड बी टू टाइप्स, दो तरीके के हो सकते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। सर कनेक्शन ओरिएंटेड में तो लैन वायर के थ्रू जो होता है, जो टेलीफोन वायर के थ्रू होता है, और कनेक्शन लेस मतलब जिसमें पहले से कोई भी प्रायर कोई भी कनेक्शन नहीं होता है बिफोर डाटा ट्रांसमिशन। देखो कनेक्शन ओरिएंटेशन में तो पहले से तार बिछी होती है, पता होता है कि इस सिस्टम से यूं जाएगा डाटा यहाँ, बट कनेक्शन लेस नेटवर्क्स में ना पहले से पता नहीं, दोनों डिवाइसों के बीच में पहले से कोई कनेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है बिफोर डाटा ट्रांसमिशन, और केवल और केवल डाटा ट्रांसमिशन के लिए कनेक्शन बनाया जाता है, जैसा कि आप शेयर इट में बनाते हो। लेकिन लैन में क्या पहले से कनेक्शन होता है? सर लैन में पहले से सब जुड़े होते हैं। आइए पढ़ते हैं। वेयर इन अ कनेक्शन इन इज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द sender and the receiver and the data is exchanged like it happens in case of telephone network. To telephone network wali baat kar di connection oriented network mein, lekin connection less network mein kiske bare mein baat karenge? There no prior connection is made before data exchange. Data exchange ke pehle koi bhi connection nahi hota hai. Data which is being exchanged in fact has a complete contact information to recipient and each intermediate destination. तो सारे के सारे इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन की भी इंफॉर्मेशन मिलती है और पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सकती है जिन दोनों को कनेक्ट होना है। दिस इज डिसाइडेड हाउ टू प्रोसीड फर्दर लाइक हैपेंस इन केस ऑफ पोस्टल नेटवर्क। चलो सर बात समझ में आ गई। हाँ सर, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस के बीच का डिफरेंस भी समझ में आ गया कि भाई साहब कनेक्शन ओरिएंटेड में तो पहले से पता होता है, कनेक्शन लेन में हम कनेक्शन बनाते हैं और बताते हैं कि कैसे कैसे कम्युनिकेट होगा, जैसे कि पोस्टल नेटवर्क में होता है। अगर आपको दिल्ली से प्रोडक्ट भेजना है लुधियाना, तो पता चलता है कि दिल्ली से पहले गुड़गांव हब में जाएगा, गुड़गांव से पंजाब वाले, पंजाब के चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ से लुधियाना जाएगा, ये सब पोस्टल हब के थ्रू पता चल जाता है ना। सेम उसी तरीके से कनेक्शन लेस में अगर यहाँ से यहाँ डाटा कम्युनिकेशन होना है तो ये कनेक्शन तो बनेगा, लेकिन हर एक डेस्टिनेशन, जितनी भी डेस्टिनेशन है, ये पहले से, देखो यहाँ पे क्या लिखा, इन्फॉर्मेशन रिसिपिएंट एंड ईच इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन के बीच में सारी बातें, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगा कि कैसे कैसे डाटा ट्रांसमिट होता है। ठीक, हाँ सर जी ठीक। देखिए अब हम बात कर रहे हैं, जब नेटवर्क, ईच ऑफ दीज नेटवर्क इज मॉडल टू एड्रेस द फॉलोइंग बेसिक इशूज़। हमारे नेटवर्क मॉडल में जो इश्यूज आते हैं इसके बारे में बात करने के लिए मैंने प्रेजेंटेशन ऐसी बनाई है कि चार बॉक्सेस में जाएं। देखो यार सच बताऊं तो एक दिन में, मतलब 24 आवर्स में कभी कभी एक एक पेज बन पाता था। बहुत मेहनत लगी आपकी ये बुक बनाने के लिए, यार बुक के लिए तो प्लीज़ बताना कैसी लगती है बुक आपको। तो क्या हुआ कि ये देखो चार बॉक्सेस मैंने जो बनाए ना, ये चार बॉक्सेस से आपको याद रहेगा कि चार तरह की चीज़ें थी। ठीक है, ठीक है सर। तो पहली बात करते हैं हम इसमें राउटिंग की। राउटिंग वही राउटर जो आप अपने ऑफिस में देखे हो, अपने घर में लगाते हो, जो बताता है कि कैसे कम्युनिकेट करना है। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग टू हाउ टू कम्युनिकेट डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इन अ नेटवर्क। राउटर क्या होता है? राउटर ये जो लगा होता है ना, ये बताता है ऐसे कि आपका मोबाइल लेके आप घूम रहे हो कि डेटा को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुँचाना है, डेस्टिनेशन तक पहुँचाना है। ये चीज़ कौन बताता है? राउटर बताता है। राउटर रास्ता बताता है। इवन पता है रास्ता तो एक ऐसे वाला भी घूम के आता है ना, और एक रास्ता ऐसे है, तो राउटर शॉर्टेस्ट रूट बताता है जिससे डेटा डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। ओके सर। दूसरी बात आती है सर बैंडविड्थ क्या होता है। देखिए आज के कुछ साल पहले हम लोग 2G यूज़ किए तब डेटा स्लो चलता था, फिर 3G यूज़ किए डेटा थोड़ा ठीक चलता था, आज 4G यूज़ हो रहा है डेटा फास्ट चल रहा है, और 5G जब आएगा
तो डेटा एकदम स्मूथ चल रहा होगा। क्यों? बैंडविड्थ को आप समझिए एक पाइप की तरह है, जिसमें से डाटा के फ्लो होने की मैक्सिमम कैपेसिटी पता चलती है। जैसे कि आप पतली पाइप से देखें तो पानी कम निकलेगा, मोटी पाइप से ज़्यादा निकलेगा, बहुत बड़ी पाइप है तो बहुत हैवी क्वांटिटी में पानी निकलेगा, सेम वैसे ही। तो ये 2G था, एक कम डाटा निकल सकता था। 3G बताया कि उससे बड़ी पाइप पड़ गई, इससे और ज़्यादा क्वांटिटी में डेटा ट्रांसमिट होता है। 4G बोलता है भाई हम और मोटी पाइप लगा दिए और ज़्यादा डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। 5G बोलता है भाई साहब मेरी इतनी बड़ी पाइप है कि इतना ज़्यादा डाटा एक साथ ट्रांसमिट हो सकता है, और जितना ज़्यादा डेटा एक साथ ट्रांसमिट होगा उतनी ज़्यादा तेज वो स्पीड देगा। तो यही बैंडविड्थ के बारे में बता रहा है। इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ डेटा विच कैन बी सेंट अक्रॉस अ नेटवर्क इन गिवन टाइम। गिवन टाइम के अंदर वो डेटा, अमाउंट ऑफ डेटा, कितने अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। जैसे कि आपने स्पीड देखी ना, 1 GB/s, 2 GB/s। सर GB कहाँ होता है? सर MB में होता है। हाइपोथेटिकल, ओके सर जी। रेजिलेंस, सर कितना हम उस पर रेजिलेंस कर सकते हैं। इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू नेटवर्क टू रिकवर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एरर लाइक कनेक्शन फेलियर, लॉस और डाटा। अगर कनेक्शन फेलियर हो गया तो क्या एबिलिटी डाटा को, डाटा लॉस को रिकवर करने की, ये बात करती है रेजिलेंस। और भाई साहब ये तो मेरे दुख का क्या बताएं हम। यूट्यूब पे अगर वीडियो अपलोड हो रहा है और कहीं नेटवर्क में इशू आया तो ख़त्म है, जितनी भी अपलोडिंग हो गई ख़त्म है भाई साहब, फिर से रीअपलोड करना पड़ता है कोई भी वीडियो। ये चीज़ तो एकदम दिल पे लग गई सर कि अगर नेटवर्क लॉस्ट हुआ तो क्या होगा। चलिए टेंशन, इट रिफर्स टू, जैसे मान लो सेम रूट पे दो लोगों को जाना हो तो भिड़ गए, ट्रैफिक जाम लग गया, उस टाइप की बातें हैं। कंटेंशन, इट रिफर्स टू द सिचुएशन दैट अराइजेज व्हेन देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट फॉर सम कॉमन रिसोर्स इन अ नेटवर्क। सेम रूट पे दो लोग जाते हो तो जाम लगता है ना, बस वही बात है। फॉर एग्जाम्पल, नेटवर्क कनेक्शन कुड अराइज व्हेन टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम ट्राई टू कम्युनिकेट एट द सेम टाइम। तो क्या होगा अगर सेम टाइम पे सेम नेटवर्क रिसोर्सेज को कम्युनिकेट करेंगे? तो इसका मतलब सर नेटवर्क के मॉडल में जो इश्यूज आते हैं वो चार यही इश्यूज हैं कि राउटिंग किस रूट से लेके जाए, बैंडविड्थ, स्पीड बताएगा, रेजिलियंस, डाटा लॉस हुआ तो क्या होगा, कंटेंशन भाई जाम लग रहा है, दोनों लोगों को सेम ही चीज़ चाहिए, सेम टाइम पे सेम सिस्टम खसती है तो क्या करें, ये चार इश्यूज आ जाते हैं। अब अगर हम बात करें बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, तो बेनिफिट क्या है कंप्यूटर नेटवर्क के? डिस्ट्रीब्यूट ने, देखो ये जो है ना, यहाँ पे आप लिखो हमको पहले से आता है, हमको सब आता है, आपको इसमें से ना सब कुछ आता है, हमको सब आता है, आप लिख सकते हो यहाँ पे। हमने आपको चैप्टर 1 पहले पढ़ाया, फिर 2 पढ़ाया, फिर 4 पढ़ाया, फिर 5 पढ़ाया, अब चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। इन सारे चैप्टर्स में कहीं ना ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ जो बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है। ज़्यादातर तो CBS चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, भाई साहब कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है, इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करता है, रिसोर्स शेयरिंग का काम करता है। क्योंकि सर कंप्यूटर नेटवर्क में एक ही प्रिंटर से हर कोई प्रिंटर निकाल रहा होता है, कंप्यूटेशनल पावर को बढ़ा देता है। कंप्यूटेशनल पावर मतलब, देखो कंप्यूटेशनल पावर का क्या मतलब होता है ना, कि कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं, कुछ वर्क होते हैं जो कि लोकल सर्वर पे हों और बाकी वर्क सेंट्रल सर्वर पे हो रहे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑनलाइन गेमिंग के कंटेक्स्ट में, ऑनलाइन गेमिंग में देखिए कुछ वर्क आपके मोबाइल में हो रहा होता है और बाकी सर्वर पे हो रहा है गेम के। उसके बाद सर बात करते हैं रिलायबिलिटी की, उसके बाद यूज़र कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें हमने पढ़ा था। ये थोड़ा सा फॉन्ट लगता है 10 इधर आ गया है, कहीं और का होगा, अभी हम इसको देख लेंगे सर कि 10 कहाँ का है। आइए पढ़ें, ये थोड़ा सा छोटा हो गया होगा आपके पे, अब दिखेगा। चलो सर, डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन को बांट रहा है। दिस वुड बी अ मेनी सिचुएशन वेयर इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड जियोग्राफिकली। बहुत बार ऐसा होता है कि इंफॉर्मेशन जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। जैसे पतंजलि के सारे स्टेट्स में है तो सारे 29 स्टेट्स में उसको अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ बैंकिंग कंपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस कस्टमर कुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस वेरियस ब्रांचेस बट मेक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एट द ईयर एंड। इट वुड नीड टू बी नेटवर्क टू एक्सेस द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल इट्स ब्रांचेस, सारी ब्रांचेस उसको एक्सेस भी लेना होता है। अब बात करें अगर हम रिसोर्स शेयरिंग की, तो डेटा कुड बी स्टोर्ड इन सेंट्रल लोकेशन, डेटा सेंट्रल लोकेशन में स्टोर हो जाता है एंड कैन बी शेयर्ड अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम। इवन रिसोर्स शेयरिंग कुड बी इन टर्म ऑफ द शेयरिंग पेरिफेरल्स लाइक प्रिंटर, मैंने क्या बताया प्रिंटर्स को सब शेयर कर रहे होते हैं,
विच इज़ नॉर्मली शेयर्ड बाई मेनी। एक प्रिंटर बहुत से सेंटर से बहुत से सिस्टम्स का प्रिंट निकालता है, यही बात होती है रिसोर्स शेयरिंग की। सर ये आपने पढ़ा रखा है, ये भी आपने पढ़ा रखा है। एग्जाम्पल के लिए हम बताते हैं, सीएस बैंक में डाटा स्टोर रहता है तो सारी की सारी ब्रांचेस तो उस डाटा का यूज़ करती हैं, एज वेल एटीएम्स भी उस डाटा यूज़ करते हैं। इसको मैंने कहाँ पढ़ाया था आपको, बिजनेस ऑटोमेशन सिस्टम में भी बताया था। कंप्यूटेशनल पावर, द कंप्यूटेशनल पावर इज मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन वुड इंक्रीज ड्रास्टिकली इन द इफ द प्रोसेसिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द कंप्यूटर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेसिंग इन ए टी एम मशीन इन अ बैंक डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए टी एम मशीन एंड द सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम इन अ बैंक, रिड्यूसिंग लोड ऑफ बोथ, और दोनों का लोड कम कर देती है। क्योंकि अगर ए टी एम से आप पैसा विदड्रॉ करते हैं तो कुछ प्रोसेस तो बैंक के सर्वर पर हो रहा है लेकिन कुछ प्रोसेस उस लोकल ए टी एम पर होता है। जैसा कि मैंने बताया, कुछ लोकली हो जाता है और कुछ सेंट्रल सर्वर पर होता है। ऑनलाइन गेमिंग का भी केस बहुत हद तक ऐसा ही है। ओके सर जी, सर ये 10 कहाँ से यहाँ पे लाए हो, सिस्टम इन बैंक, एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ। ये 10 तो पहले यहाँ से काट दो आप, और सिस्टम इन बैंक 10 यहाँ पे आएगा, 10 रिड्यूसिंग लोड ऑफ बोथ। ओके सर, अब रिलायबिलिटी की बात करते हैं। सर रिलायबल कितना है, मेनी क्रिटिकल एप्लीकेशन कुड बी अवेलेबल ऑन 24/7। भाई साहब ऐसा ना होना चाहिए कि सर्वर डाउन चल रहा है, 24/7 अवेलेबल होनी चाहिए। इफ सच एप्लीकेशन इज रन अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस नेटवर्क देन द रिलायबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन सर्वर वुड हाई। एग्जाम्पल अ सिटी वेयर कुड बी मल्टीपल ए टी एम मशीन सो दैट द वन ए टी एम फेल वन कुड बी विदड्रॉ मनी फ्रॉम अनदर ए टी एम। सी बी एस में बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि भाई साहब चार सर्वर हैं, चार जगह डाटा स्टोर रहता है। याद करो यार, चैप्टर 4 में बताया था अगर ये सर्वर काम नहीं कर रहा है तो सारे डाटा 24/7 दूसरी जगह से एक्सेस हो जाते हैं। ए टी एम वाला भी एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने सी बी एस में दिया था, चैप्टर 4 में भी दिया था। ठीक है सर जी। यूज़र कम्युनिकेशन, नेटवर्क अलाउ यूज़र टू कम्युनिकेट यूजिंग ई मेल, न्यूज़ ग्रुप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यूज़र कम्युनिकेट कर लेते हैं इन सब चीज़ों के सहायता से। सर यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब सर एक चीज़ और पढ़ते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में प्रोवाइड दीज वैल्यूज थ्रू द फॉलोइंग इम्पैक्ट। टेलीकम्युनिकेशन ये जो वैल्यूज हमको दे रहा है किसके कारण दे रहा है, किस इम्पैक्ट से? सर टाइम कंप्रेशन, मतलब कम टाइम में अब डाटा एक जगह से दूसरी जगह चल जाता है। टेलीकम्युनिकेशन इनेबल अ फर्म टू ट्रांसमिट रॉ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली बिटवीन रिमोट साइट्स। सोचिए यहाँ मैंने आपको एक मेल की, चलो मेरा जो टेस्ट पेपर आपको करेक्ट 2 पीएम पे आपको पहुंचता है। अब सोचो अगर 2 पीएम पे आप लोग, मान लो आप लोग 200 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हो तो 200 स्टूडेंट्स के पास 2 पीएम पे एक साथ पहुंच जाता है ना, टाइम कंप्रेशन कितना आता है, सबको एक एक करके पहुंचाते तो 200 घंटे लग जाते पहुंचाने में। ये फर्क पड़ा किसके थ्रू हुआ, टेलीकम्युनिकेशन के कारण हुआ, तुरंत आपकी मेल पे पहुंचते हैं सब। ओके सर जी, ओवरकमिंग ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन। सर ये कैसे, आज की डेट में दिल्ली की कोई मोस्ट फेमस आपकी कोई फैकल्टी है जो केवल दिल्ली पढ़ाती थी, तो भाई साहब यहाँ पे चूरू में पहुँचा हुआ बच्चा नहीं ना पढ़ पाता था इससे, तो क्या हुआ आज की डेट में पेन ड्राइव के कारण ये किसी भी लोकेशन, अरे जंगल में बैठ के इसकी क्लास देखेगा अब, हो सकता है ना। टेलीकम्युनिकेशन ने कितना लाइफ ईजी कर दिया। सर ये तो टेलीकम्युनिकेशन का एग्जाम्पल नहीं था, पेन ड्राइव क्लासेस का था। टेलीकम्युनिकेशन लगता है ना, उसमें भी इंटरनेट लगता है ना, चलो यूट्यूब पे आप देख रहे हो मेरी क्लासेस, टेलीकम्युनिकेशन यूट्यूब लग रहा है ना, इस तरीके से समझो आप लोग। Telecommunications enable an organization with a geographically remote sites to function. Geographically remote sites को भी function में ला दिया, to a degree as through which site were a single unit, the firm can take reap benefits to scale and scope which would be over, otherwise be unobtainable. Okay sir जी, और restructuring business relationship, इसने ना यार internet ने business के relationship को तो इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन की यहाँ पे जब बात कर रहा है तो आप इंटरनेट को ही माइंड में लो, इंटरनेट ने रीस्ट्रक्चर कर रखा है बिजनेस रिलेशनशिप को। बहुत सी चीज़ों के लिए आप पहले फेस टू फेस जाके जो वर्क करवाते थे, अब आप रिक्वेस्ट डाल के थ्रू द इंटरनेट ऑटोमेटिक उन चीज़ों को पा जाते हैं। तो बिजनेस के जितने भी वर्क्स होते हैं ना, टोटल बिजनेस के फंक्शंस के रिलेशनशिप को रीस्ट्रक्चरिंग कर दिया इंटरनेट ने, और बल्कि बहुत सुचारू और सुविधाजनक बना दिया है। टेलीकम्युनिकेशन मेक इट पॉसिबल टू क्रिएट सिस्टम which restructure the interactions of people within a firm as well as firm's relationship with customer. Within a firm में भी, मतलब एक organization के अंदर, एक firm के अंदर जिस तरीके से लोग एक दूसरे से interact करते थे उसको तो change किया ही किया, साथ में customer जैसे organization से relationship रखता था ना उसको भी change कर दिया। आप समझो आप जिस भी power corporation में हो, आप direct bill खुद का generate करके खुद pay कर सकते हैं through the app या through the उनकी website,
तो आप जो कस्टमर हैं उस कस्टमर का भी तो रिलेशनशिप उस एंटिटी के साथ चेंज कर दिया इसने। हाँ सर जी, ऑपरेशनल इफिशियंसी मे बी रेज्ड बाय एलिमिनेटिंग इंटरमीडियरीज फ्रॉम वेरियस बिजनेस प्रोसेस। भाई साहब वही तो बोल रहे हैं, यहाँ पे आता था एक इंटरमीडियरी, एक आदमी आता था आपका बिल निकालने, उसको तक एलिमिनेट कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे चेंजेस आए हैं बिजनेस प्रोसेस में, चेंजेस आए हैं। किसके कारण वो चेंजेस आए सर? टेलीकम्युनिकेशन के कारण। किसके कारण? टेलीकम्युनिकेशन के कारण। किसके कारण सर? टेलीकम्युनिकेशन के कारण। आज हमारा टॉपिक वन कंप्लीट होता है। आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं हम लोग और अपनी नेक्स्ट क्लास में टॉपिक नंबर 2 पढ़ेंगे। टेक केयर, बाय बाय एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।